अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देश परदेश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो जी आज हम जा रहे थे, यहाँ पे वैक्सीन लग रही है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का सबको ही इन्फॉर्मेशन है कि कितनी मुश्किलों से सब गुजर रहे हैं और कितनों ने अपने प्यारों को खोया है और क्या एक डर बैठा हुआ है। तो खैर यहाँ पे यूएई में वैक्सीनेशन लगना शुरू हुई है, तो हम लोग भी आज जा रहे हैं उसकी फर्स्ट वैक्सीन लेने, फर्स्ट शॉट लेने। तो इसके क्या रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी, और अगर मुझे अंदर परमिशन हुई तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। ये टू शॉट्स लगेंगे, एक अभी जैसे अगर लग गया तो फिर उसके 20 डेज बाद लगना होगा, और कहां कहां से लग रहे हैं वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बताती हूं। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूं कि कहां कहां से यू कैन गेट द जैब, और दूसरा कि 86% बहुत फ़ायदेमंद है, बेनिफिट्स है, इंशाल्लाह 100% भी इसका रिजल्ट होगा। अभी तो ये लगने शुरू हुई है। तो जो लोग अबू धाबी में रहते हैं वो ऑल मेडिकल क्लिनिक्स मैनेज्ड बाय सेहा एंड ऑल ब्रांचेस ऑफ VPS, जो लोग दुबई में है वो फील्ड हॉस्पिटल ऑफ दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट से रब्ता कर सकते हैं, और जो लोग शारजा में है वो वेस्ट मेडिकल सेंटर फ्रॉम 4 PM टू 9 PM एंड अदर सेंटर्स। जो लोग अजमान में है वो अल हुमायरा सेंटर फ्रॉम 9 AM टू 12:30 PM फ्रॉम 5 PM टू 8:30 PM, और जो उमुल कोयन में है वो अल बैत मितवाहिद एंड आर नंबर ऑफ अदर सेंटर्स। अगर कुछ मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ या थोड़ा जल्दी में आपको लग रहा है तो मैं ये इसके आपको डिटेल वीडियो के एंड में अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली। तो अगर अब तक आपने नहीं लगवाया है तो प्लीज़ जाके लगवाइए, इंशाल्लाह कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हेल्थ केयर वालों को ये ऑलरेडी लग चुके हैं, जैसे जो लोग फ्रंट फुट पे होते हैं, और बाकी लोग भी लगवा रहे हैं, काफ़ी लोगों ने लगवा ली है, और इसकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको फर्स्ट शॉट जब मिल जाएगा तो आपको 3 वीक्स के बाद बुलाया जाएगा, या लाइक 20 to 21 डेज में आपको दूसरे सेकेंड शॉट के लिए बुलाया जाएगा। मुझे कोई ये बोल रहा था, मैंने किसी से सुना कि आपको एक ईमेल आएगी ई वैक्सीनेट करके, जिसमें आपको फर्स्ट टेस्ट क्लियर होना ज़रूरी है सेकेंड शॉट के टाइम, या सेकेंड शॉट के बाद कुछ मिलेगी, इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन थी। मुझे उस बारे में कुछ इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूँ। इज़ इट ट्रू या सिर्फ अलग जगहों के लोग ऐसी ईमेल की उनको ज़रूरत है, सेहा वालों को नहीं है, या क्या जो भी चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितनी वैलिड है और कितनी नहीं। लेकिन ये एक बात है कि इस शॉट्स के बाद आपको क्वारंटाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब दोनों शॉट्स हो जाएंगे तो आप अराउंड UAE आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। सुना है कि आप दूसरे कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये वैलिड है या नहीं, PCR की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, वो अभी मुझे इतना कन्फर्म नहीं है, क्योंकि रूल्स आपको पता है चेंज होते रहते हैं, तो वो गवर्नमेंट उसी वक्त आपको बता सकती है कि क्या चीज़ है वैलिड और क्या चीज़ नहीं है। लेकिन अराउंड UAE आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईमेल वाली बात कितनी सही है कितनी नहीं, वो तो आफ्टर शॉट पता चलेगा कि वो कहते हैं कि हाँ कोई फॉर्म भेजेंगे जो क्लियर होना ज़रूरी है फर्स्ट टेस्ट या नहीं, वो तो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि क्वारंटाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपना नॉर्मल रूटीन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये बिल्डिंग है सेहा की जहाँ हम आए हैं अपनी वैक्सीन के लिए। देखिए अब अंदर जाके पता चलेगा कि वैक्सीन मिलती है आज कि नहीं मिलती, या अपॉइंटमेंट ही लेना है, या जैसे लोग बोल रहे थे कि लास्ट डे 10th था तो क्या हमें मिल पाएगी, कि या ऐसे ये फेक न्यूज़ है और फ्री में हो रही है या नहीं। वैसे सब जगह फ्री ही है, तो आप लोग जाएँ और करवाएँ। तो अभी फ़िलहाल तो बहुत रश है अंदर, तो उन्होंने हमें हमारा नंबर देख के बोला कि वेट करें। एज़ यूजल पहले भी उन्होंने तब जगह में बोला था कि आप लोग जाएं, बहुत रश है क्योंकि ज़्यादा स्पेस अंदर नहीं ले सकते, तो इस टाइम भी वो बोले थे कि आप बाद में आएं नेक्स्ट डे, पर विट सेट कि नहीं हमें आज ही करवाना है और हम वापस नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी हम एक दफ़ा वापस जा चुके हैं। तो दे सेट के ओके, फिर आप अपनी कार में वेट करेंगे। और सर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चली, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट करने में। तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, अपना नंबर ले लीजिए, बस टाइम टू टाइम नंबर चेक करते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि ये वैक्सीन अबव 18 है,
अंडर 18 नहीं है, तो अबव 18 जो है वो आए, अपॉइंटमेंट पहले से बुक करवा लें, कॉल पे नहीं मिलती वेट करना है, हम वेट कर सकते हैं क्योंकि बच्चे साथ ही हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि घर जाना ज़रूरी है, तो हम यहीं वेट कर रहे हैं। आप बोले नहीं हमें नंबर दे दें, हम वेट कर लेंगे, तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों की स्कूटी गाड़ी में रखी होती है, तो ये लोग अपना खेल रहे, इंजॉय करेंगे, हम अपना देखते रहेंगे और हम आज लगवा के ही जाएंगे। पर अभी ये होता है कि डिले होता रहता है, बीच में बहुत से काम आते रहते हैं। तो उन्होंने पहले जो हमें नंबर दिया था, तो वो नंबर से तो खैर नहीं बुला रहे, फिर वो देख रहे हैं कि हम कितना मतलब वेट कर सकते हैं और कितना हम मतलब हमें है कि करवाना है, तो ये कि हम वेट करते रहे कार में। तो फिर अभी जब दोबारा नंबर देखने गए, तो उन्होंने नंबर तो अभी बहुत दूर था, लेकिन उन्होंने हमारी एमिरेट्स आईडी ले ली है और प्रिंट आउट वगैरह कर लिया। वो हमें बोला है कि आप दोबारा कार में वेट करें और फिर वो हमारे मोबाइल पे कॉल करेंगे, तो उसके बाद वो हमें बुलाएंगे शॉर्ट्स के लिए। तो आपके पास आपकी एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए ज़रूरी, और देन दे विल कॉल यू, और लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप घर जाने के नई नंबर नहीं आ रही है। वो उन्होंने कहा था मैं बहुत देर लग सकती, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट हाफ आवर वन आवर्स में आ गया, तो लेट्स से वो कब कॉल करते हैं और वो मोबाइल पे ही कॉल देंगे, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वैक्सीन लग गई है। हमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि हम 3 बजे के आए हुए थे, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं थी, तो वो आपको जो नंबर देते थे उस नंबर के हिसाब से वो नहीं कॉल कर रहे हैं। आपको बार बार जाके बोलना पड़ेगा कि भैया इनसाइड द कार, हम कार में वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं हम गाड़ी में बैठ जाएँ, तो वो उस तरीके से कॉल नहीं करता, आपको बार बार जाना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके रख लें, तो उससे ये होगा कि आपको आसानी हो जाएगी। आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेंगे, आप वॉक इन जाएंगे, आप बोलेंगे कि हमें नेक्स्ट वीक की दे दो, तो वो नहीं देते। हमारे साथ थर्सडे को यही हुआ था, तो आप लोग अपॉइंटमेंट लेके रखें। अच्छा, तो पहले उन्होंने हमारा जब हमारा नंबर आ गया, हमें कॉल कर लिया, तो पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया था अंदर, फिर वेटिंग में बिठाया, फिर मुझे कॉल किया, फिर हमें साथ ही भेज दिया था। तो पहले हमारा वेट और ब्लड प्रेशर चेक हुआ। जो फीमेल्स हैं उनका यूरिन टेस्ट होता है ऑन द स्पॉट, वो आपको रिजल्ट भी बता देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट, फिर वो आपको डॉक्टर के पास भेजते हैं। डॉक्टर आपसे कंसेंटेंट फॉर्म फिल करवाते हैं और आपसे जो उनको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, आपकी हिस्ट्री पता करनी होती है, वो कर लेते हैं। उसके बाद आपको वैक्सीन रूम में भेजा जाता है, फिर वो वहाँ पे डॉक्टर जो नर्स होती है वो आपको वैक्सीन लगा देती है। 2 मिनट्स का प्रोसेस भी नहीं होता, 2 मिनट्स से कम में ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ फारिग हो गए थे, और वो साथ साथ आपको नेक्स्ट जब आपको नेक्स्ट शॉट मिलेगा तो उसके डेट बता देते हैं। हमारी 4th दी है, और जब हो जाएगा तो वो कहते हैं SMS के थ्रू आपको टाइमिंग खुद ही बता देंगे वो कि किस टाइम पे आना है। वो एक पेपर देंगे, वो लेकर आना है। फॉर्म मेरे पास ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर ऊपर से, इसमें ही ये डेट डली हुई है जिस डेट को हमें आना है, और ये कि इसके वैक्सीन के बाद हमें 20 मिनट्स वेट करना है, ताकि जब 20 मिनट्स हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा अंदर जाएंगे और हम उनको बोलेंगे कि BP चेक करना है, कि ताकि BP हमारा नॉर्मल है या नहीं। और नर्स जो थी उसका हाथ बहुत सॉफ्ट था, कुछ पेन कुछ नहीं पता चल रहा, वरना मुझे बहुत जल्दी मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मुझे दर्द और स्वेलिंग हो जाती है नॉर्मल बेबी, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस अभी हम अपने 20 मिनट्स होने का वेट कर रहे हैं, 10 मिनट्स गुजर चुके हैं, 10 मिनट्स के बाद
जाके हमसे मैं और मेरे हस्बैंड अपना बीपी चेक करवाएंगे और फिर हम फारिक पे अपॉइंटमेंट हमारे पास फोर्थ की होगी। अगर मैं फिर यही बोलूंगी कि अपॉइंटमेंट लेके फर्स्ट वाली में भी जाए ताकि आपको इतना वेट ना करना पड़े, हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। और ये लोग बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं है, रश है, ये है वो है, लेकिन कर दे रहे हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लोग बोल रहे थे कि लास्ट डेट ये है वो है, तो आप जाएं आराम से अपॉइंटमेंट लेके जाएं, नहीं तो यहाँ जाके वेट करें। लास्ट टाइम हम लोग ने छोड़ दिया था क्योंकि बच्चे घर पे थे, हम वापस चले गए थे। अगर हम उस दिन भी बैठ जाते तो हमारी भी हो जाती जैसे आज हो गई, तो ऐसा सच कोई मसला नहीं है। जब आपको करवाने करवा लें, तो मैं कोशिश करूँगी कि जब हम अल्लाह ने अगर चांस दिया, मौका मिला, तो मैं फोर्थ की भी बनाऊँ वीडियो। तो अभी फिलहाल हम ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हमें अपनी सेकंड शॉट का वेट करना है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी जो बेसिक थी, जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। और एक तो अब वैक्सीन के बाद हम घर आ गए हैं, हमारा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहा, अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होंगे। तो आप लोग बेफिक्र होकर करवाएं। और जैसे मैंने मेल के अपनी वीडियो के शुरू में एक मेल का जिक्र किया था कि कोई मेल आएगी और वो वेरिफिकेशन होगी, क्लियर होगा, तो ऐसा हमने सेहा वालों से पता किया एंड में उन्होंने कहा नहीं, ऐसा किसी ई मेल की या आपका कोई टेस्ट क्लियर होने की उनको कोई वो नहीं है, नीट नहीं है, बस अब आप अपना सेकेंड शॉट का वेट करें, उसके बाद आप इन द UAE आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अब तक की यही है उनकी इन्फॉर्मेशन, हो सकता है सेकंड शॉट पे वो कुछ और इन्फॉर्मेशन बताएं जो उस वक्त नीड हो हमें। अभी सब चीज़ों की उन्होंने का कोई नीड नहीं है, बस आपको एक SMS आएगा जिसमें आपकी आपको टाइम दे दिया जाएगा अपॉइंटमेंट का, उस टाइम पे आपको आ जाना है अपने एमरेट्स ID के साथ, और बस इसके अलावा किसी चीज़ की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, किसी ईमेल, किसी फॉर्म की, किसी क्लियर उसकी। बस बीपी उन्होंने चेक किया, बीपी बिल्कुल नॉर्मल हमारा रहा जितना हमारा होता है, उसके बाद उन्होंने हमें घर जाने दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको कुछ मिली हो, तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है किसी और को फ़ायदा हो जाए। और लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।